हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल आज आपको वेकेशन सेटिंग्स कैसे करते हैं जीमेल पे इसके बारे में बताऊंगा। वेकेशन सेटिंग क्या होती है? जैसे आपको कोई मेल करता है, ऑफिस में आप काम करते हैं किसी, और आपको कोई मेल करता है और आप चाहते हो कि आप उसको ऑटोमेटिकली रिवर्ट मेल देना चाहते हो, तो उस केस में आप वेकेशन सेटिंग्स यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली इस वेकेशन सेटिंग्स का यूज़ वेकेशन के पर्पज़ से किया जाता है। जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हो और आप 15 दिन की छुट्टी पे कहीं बाहर जा रहे हैं, और आप उस केस में ऑफिशियल मेल या फ़ोन कांटेक्ट इन सब से दूर रहना चाहते हैं, और आप 15 दिनों के लिए अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं करेंगे, या आपको पता है कि इतने दिनों में अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, तो आप चाहें तो अपने जितनी भी मेल्स आती हैं आप उनको एक ऑटोमेटिकली जीमेल पे सेटिंग कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली उनको एक रिवर्ट मेल जाएगा जिसमें आप ये मैसेज भी डाल सकते हैं कि आई एम आउट ऑफ द ऑफिस, या आई एम आउट ऑफ द कंट्री, या आप ये ऐसा कर सकते हैं कि मैं अभी ऑफिस में नहीं हूँ, आपको वापस आके कॉन्टैक्ट करता हूँ। रिग्रेट फील कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए, इससे छोटा सा मैसेज डाल के ड्रॉप कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली जितनी भी आपके इनकमिंग मेल्स होंगे उनको ऑटोमेटिकली एक मेल जनरेट होके चला जाएगा जीमेल की तरफ से। ऐसी सेटिंग आप जीमेल में कर सकते हैं जिससे कि आपका कम्युनिकेशन और स्ट्रांग होगा। सो कैसे करते हैं? सबसे पहले आप मेल अकाउंट से लॉग इन करेंगे। मैं अपने जीमेल अकाउंट से लॉग इन कर रहा हूँ। यस, जीमेल अकाउंट से लॉगिन करने के बाद आपका यहाँ नाम शो करेगा जिस अकाउंट से लॉगिन है, या फिर यहाँ पर आप देखेंगे सेटिंग टैब शो करेगा। राइट क्लिक, लेफ्ट राइट पेन पे, राइट कॉर्नर पे आएंगे, यहाँ सेटिंग्स आएगा, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, देन अगेन सेटिंग्स टैब आएगा। इस सेटिंग्स टैब पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके माउस को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर आप वेकेशन रिस्पॉन्डर ऑफ है और वेकेशन रिस्पॉन्डर को आप ऑन कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, सेंड एन ऑटोमेटेड रिप्लाई टू इनकमिंग मैसेजेस। इफ अ कॉन्टैक्ट सेंड्स यू सेवरल मैसेजेस, दिस ऑटोमेटेड रिप्लाई विल बी सेंड एट मोस्ट वंस एवरी 4 डेज। ओके, सो यहाँ पर आप जैसे अभी 11 सितंबर को मैं ऑफिस से बाहर जा रहा हूँ, और आप चाहें तो यहाँ पर एंड कर सकते हैं 11 सितंबर से आप 30 सितंबर, आप इतने दिन की छुट्टियों पे जा रहे हो। सब्जेक्ट आप डाल सकते हो ऑन ऑन लीव, या आप ऐसा कर सकते हो रिग्रेट, ऐसा कर सकते हो ऑन लीव डाल देता हूँ। देन अगेन यहाँ पर आई एम आउट ऑफ द कंट्री फॉर 20 डेज, रिग्रेट फॉर द सेम। या आप मैसेज में लिख सकते हैं आई एम आउट ऑफ द कंट्री फॉर 20 डेज, आई विल बी कॉल यू आफ्टर 20 डेज, देन थैंक्स फॉर पेशेंस, थैंक फॉर पेशेंस। उसके बाद ओनली सेंड अ रिस्पॉन्स टू पीपल इन माई कॉन्टैक्ट। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ उन्हीं को ये रिस्पॉन्ड जाए जो मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, या चाहते हो सबके लिए जाए, तो आप ये हटा सकते हो। सेव चेंजेस करिए, ये सेटिंग्स सेव हो गई। और ये सेटिंग्स सेव हो गई तो यहाँ पर ये आता भी रहेगा, जब भी आप लॉग इन करेंगे तो फर्स्ट टाइम ये शो जरूर करेगा। अभी मैं इस अकाउंट से लॉग ऑफ करता हूँ। साइन आउट होने के बाद मैं दूसरे अपने जीमेल अकाउंट से लॉग इन करता हूँ,
और एक मेल अनिल को मैं सेंड करता हूँ। ओके ओके यहाँ से मैं एक कंपोज करता हूँ मेल। यहाँ पर मेल अकाउंट टनल 9292, सब्जेक्ट टेस्ट मेल, और सेंड कर देता हूँ। जैसे मैंने भी मेल सेंड की है, एक बार रिफ्रेश करते हैं या अकाउंट्स इनबॉक्स पे क्लिक करते हैं, तो एक अनिल कुमार गौतम की मेल मुझे वापस रिवर्ट आई है, जिसमें लिखा ऑन लीव, रिप्लाई टेस्ट मेल, आई एम आउट ऑफ द कंट्री फॉर 20 डेज, आई विल बी कॉल यू आफ्टर 20 डेज, थैंक्स फॉर पेशेंस। सो इस तरीके से देखा कि कैसे आप वेकेशन सेट करते हैं, कैसे आप अपने यूजर्स को या अपने कॉन्टैक्टीज को कैसे आप कॉन्टैक्ट में रख सकते हैं, आप उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जिससे कि वो पूरे एक्नॉलेज में रहें आपसे, उनको प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट मिलती रहे आपकी तरफ से। सो थैंक यू फॉर विजिटिंग माई ब्लॉग।